मैं हूँ रश्मि प्रतीक दुबे और आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ नाश्ते की एक ऐसी रेसिपी जो कि बनाने में सिर्फ लगेंगे 10 मिनट और टेस्ट में उसका कोई जवाब नहीं है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे रवा और पोहा का जो चीला बनाना है ना, उसके लिए मैंने ये तकरीबन 10-15 मिनट पहले पोहा भिगो के रखा था। अच्छे से आप देख सकते हैं, इसको भी मैंने तकरीबन 15-20 मिनट पहले भिगो के रखा था। अभी आप देख सकते हैं इसको, ये ना जो पोहा और रवा है ना, मैंने दोनों डाल दिया है। अब इसको ऐसे ही ग्राइंड करेंगे, बिल्कुल भी पानी नहीं डालना, क्योंकि आपने पहले देखा ना जो रवा में थोड़ा सा पानी था ना, बस उसी के साथ ये ग्राइंड करना है हमने। तो चलिए पहले इसके लिड को बंद करके ग्राइंड कर लेते हैं फटाफट से। ये देखिए यहाँ पर इसको मैंने अच्छे से ग्राइंड कर लिया, आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा थिक है। तो अब यहाँ पर हम इस स्टेज पर डालेंगे पानी, जितना रिक्वायरमेंट होगा ना उस हिसाब से हम पानी ऐड करेंगे इसके अंदर, अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अभी आप देख सकते हैं ये मैंने बिल्कुल ऐसी थिकनेस इसकी बनाई है, बिल्कुल रनिंग थिकनेस है इसकी। अब यहाँ पे हम ऐड करेंगे बाकी जो इंग्रेडिएंट्स है ना वो ऐड करेंगे। अब इसके अंदर डाल दूंगी मैं नमक अपने टेस्ट के हिसाब से। उसके बाद हम डाल देंगे इसके अंदर थोड़ा सा हल्दी पाउडर बिल्कुल। उसके बाद यहाँ पर मैं डाल दूँगी ये ऑरिगेनो, ये टेस्ट बहुत अच्छा आएगा इससे, इसलिए मैं यहाँ पर डाल रही हूँ। यहाँ पर मैं डाल रही हूँ ये पिज़्ज़ा सीजनिंग है बिल्कुल थोड़ा सा। उसके बाद मैं ऐड करूँगी यहाँ पे ये चिली फ्लेक्स। अगर आप इस जगह चाहें ना तो हरी मिर्च भी यूज़ कर सकते हैं, पर वो मैंने यूज़ नहीं किया है। यहाँ पे लाल मिर्च पाउडर भी आप ऐड कर सकते हैं। अब इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद अब हमने ले लेना है एक पैन। यहाँ पर कर दूँगी मैं गैस को ऑन। ये देखिए यहाँ पर कर देंगे हम गैस को ऑन। अब पहले तवा गर्म हो जाने देते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा तवा गरम हो चुका है, अब मैं डाल दूँगी इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल। इसको अच्छे से स्प्रेड कर देंगे चारों तरफ। यहाँ पे जो ये बैटर हमने बनाया था ना वो हम इतना ले लेंगे। अब इसको हमने इसके ऊपर अब से बिल्कुल ये कर देना, आप देख सकते हैं। बस इसको इससे ज़्यादा हमने फैलाना नहीं है, बस ये जो पैनकेक जैसा होता ना बस हमने वही बनाना है। तो ये देखिए ये पैनकेक जैसा ही बिल्कुल बनेगा, पर ये आपका चीला हो जाएगा रवा और उपमा का, सॉरी रवा और पोहा का। रवा आता ना, अगर नाम तो वो उपमा ही याद आता है सभी को, तो बस वही हाल है कि रवा का नाम लो और उपमा याद आ जाता है। तो ये देखिए ये बिल्कुल अच्छे से, अगर इसको आप ज़्यादा भिगो के रखेंगे ना तो बिल्कुल इस तरीके से ये हो जाएगा। अगर आपको इंस्टेंट बनाना है ना, मतलब टाइम नहीं है, कोई गेस्ट आ रहे हैं, तो आप फटाफट से इसके अंदर ना दही डाल दीजिए, वो भी एक बेस्ट ऑप्शन है। अब इसके ऊपर डाल दूँगी मैं थोड़ा सा ऑयल। ये देखिए अच्छे से इसको कुक होने देंगे। ये देखिए यहाँ पे ये बिल्कुल इस तरीके से हो जाएगा। इसको ना ऑयल जो हमने एक्स्ट्रा इसमें तवे पे सबसे पहले ऑयल डाला है ना, उसका सिर्फ यही एक मोटो है कि ये अपने आप छोड़ देगा तवा। तो बस इसको अच्छे से फिर पलट देंगे। आप देख सकते हैं ये बहुत ही क्रिस्प बनती है गाइस, ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही टेस्टी और सबसे हेल्दी है, तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये ब्रेकफास्ट के लिए बेस्ट है। तो ये देखिए बस इसको ऐसे और इस तरफ भी कुक कर देंगे, पर हाँ गैस की फ्लेम जो है ना वो हमने रखनी है बिल्कुल स्लो, ताकि जल ना जाए, इसलिए गैस की फ्लेम स्लो ही रखना है हमने। बस इधर से भी अच्छे से कुक कर देंगे इसको। यहाँ पे ये भी बन के रेडी हो चुका है। ये देखिए कितना क्रिस्प लेयर इसका रेडी हुआ है, बहुत टेस्टी बनती है ये गाइस और बहुत फटाफट से इंस्टेंट रेडी हो जाती है। तो चलिए ऐसे ही अपना दूसरा भी जो चीला है वो हम रेडी कर लेंगे। अब ना तवा बड़ा है तो यहाँ पे मैं सोच रही हूँ हम दो दो बना सकते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे मैं दो दो बना दूँगी, ताकि ना आपका काम और भी आसान हो जाएगा। ये देखिए अब ना यहाँ पे ऑयल मैंने बाद में नहीं डाला, क्योंकि ऑलरेडी आप देख सकते हैं ऑयल अच्छा खासा है, तो हमने कुछ भी नहीं करना, बस इसको अच्छे से कुक करना है। तो यहाँ पे रेडी कर लिया है मैंने पोहा और रवे का बेस्ट चीला, आप देख सकते हैं बहुत ही हेल्दी है, सो ज़रूर आप ट्राई कीजिएगा, सुबह के नाश्ते में बहुत ही अच्छा है ये, बनाना बहुत ही इजी है, और पर जो टेस्ट है ना इसका उसमें इसका कोई जवाब नहीं है। तो एक बार आप ज़रूर बनाइए और खाइएगा, फिर मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी। तो देखिए है ना बिल्कुल ईजी और यम वाली रेसिपी। तो बस इसको मैं सॉस के साथ सर्व कर रही हूँ, आप चाहे तो चाय के साथ या हरी चटनी के साथ कैसे भी सर्व कर सकते हैं। ये सभी को पसंद आएगी रेसिपीज़, और आई होप ये रेसिपी आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।